साथियों, राष्ट्र रक्षा में हमेशा से हिमाचल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जो हिमाचल पूरे देश में राष्ट्र रक्षा के वीरों के लिए जाना जाता है, वो हिमाचल अब इस एम्स के बाद जीवन रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। साल 2014 तक हिमाचल में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज थे, जिसमें 2 सरकारी थे। पिछले 8 सालों में 5 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज हिमाचल में बने हैं। 2014 तक अंडर और पोस्ट ग्रेजुएट मिलाकर सिर्फ 500 विद्यार्थी पढ़ सकते थे, आज ये संख्या 1200 से अधिक यानी 2 गुने से भी ज्यादा हो चुकी है। एम्स भी हर साल अनेक नए डॉक्टर बनेंगे, नर्सिंग से जुड़े युवा यहां ट्रेनिंग पाएंगे। और मुझे जयराम जी की टीम को, जयराम जी को, भारत सरकार के आरोग्य मंत्री और आरोग्य मंत्रालय को विशेष रूप से बधाई देनी है। जब नड्डा जी आरोग्य मंत्री थे, उस समय हमने निर्णय किया, फिर नड्डा जी के जिम्मे बहुत बड़ा दायित्व आ गया, मैं शिलान्यास भी कर गया। इसी कालखंड में कोरोना की भयंकर महामारी आई और हम जानते हैं हिमाचल के वालों तो कि हिमाचल में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है तो कितना मुश्किल होता है, एक एक चीज पहाड़ पर लाना कितना दिक्कत भरा होता है। जो काम नीचे 1 घंटे में होता है उसको यहां पहाड़ों में करने के लिए 1 दिन लग जाता है। उसके बावजूद भी, कोरोना की कठिनाई के बावजूद भी, भारत सरकार का आरोग्य मंत्रालय और जयराम जी के राज्य सरकार की टीम ने मिलकर के जो काम किया, आज एम्स मौजूद है, एम्स काम करने लग गया है। मेडिकल कॉलेज ही नहीं, हमने एक और दिशा में आगे बढ़े, दवाओं और जीवन रक्षक टीकों के निर्माता के रूप में भी हिमाचल की भूमिका का बहुत अधिक विस्तार किया जा रहा है। बल्क ड्रग्स पार्क के लिए देश में सिर्फ 3 राज्यों को चुना गया है, 3, और उसमें से एक कौन सा राज्य है भाई, कौन सा राज्य है? हिमाचल है। आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का शिलान्यास है कि नहीं है? ये आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कि नहीं है? हम काम बड़ी मजबूती से करते हैं और आज की पीढ़ी के लिए भी करते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी करते हैं। उसी प्रकार से मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए 4 राज्यों को चुना गया, जहां आज मेडिकल में टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है, विशिष्ट प्रकार के औजारों की जरूरत पड़ती है, उसको बनाने के लिए देश में 4 राज्य चुने गए। इतना बड़ा हिंदुस्तान, इतनी बड़ी जनसंख्या, हिमाचल तो मेरा छोटा सा राज्य है, लेकिन ये वीरों की धरती है और मैंने यहां की रोटी खाई है, मुझे कर्ज भी चुका रहा है। और इसलिए चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है, ये चौथा मेडिकल डिवाइस पार्क कहां बन रहा है, आपके हिमाचल में बन रहा है। दोस्त, दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यहां आएंगे। नालागढ़ में
ये मेडिकल डिवाइस पार्क का शिलान्यास इसी का हिस्सा है। इस डिवाइस पार्क के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए का निवेश यहां होगा। इससे जुड़े अनेक छोटे और लघु उद्योग आसपास विकसित होंगे। इससे यहां के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे।